शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल तैफ़ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुश आमदी ये उर्दू का लेक्चर जमात शशम के तलबा और तलबात के लिए है डयर स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर बत्तीस है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस निसे सहराबानों हमने नज़म इतफाक पढ़ी और उसके अशार की तशरी भी की मुश्किल अलफाज के मायने भी पढ़े उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे अभी हम नज़म एतफाक की मश्क यानी मश्क की सवालत और उनके जवाबात पढ़ेंगे नज़म इतफाक़ के मशकी सवालत आपकी उर्दू की किताब के, के सफ़ा नंबर एक सौ चार पर हैं आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर एक सौ चार खोलें जिस पर नज़म इतफाक़ के मशकी सवालत हैं आज हम पढ़ते हैं इन सवाल के जवाब उम्मीद है आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104 सौ चार खोल लिया होगा जिस पर मजकी सवालत हैं नज़म इतफ़ाक के पहला सवाल है मुख्तर जवाब दें यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके हमने मुख्तर जवाब देने हैं जुज अलिफ जो जलिफ़ में सवाल है हमेशा मिल के रहने के नतीजे कैसे होते हैं हमेशा मिल के रहने के नतीजे कैसे होते हैं जवाब हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं नेक यानी अच्छे होते हैं यानी अगर हम मिलजुल कर रहे हैं इतफाक से रहें तो उसके नतीजे अच्छे होते हैं नेक होते हैं जुज्बे जुजबे में सवाल है कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है इसका जवाब है कामयाबी का रास्ता एक का दिखाता है एक का यानी एक होना इतफाक यानी इतफाक से रहना जो है कामयाबी का रास्ता दिखाता है आपस में आपस का एका आपस का इतफाक इतिहाद हमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है जसजीम जज्जीम में सवाल है कौन सी मिसल मशहूर है जवाब ये मिसल मशहूर है कि दो मिल के भारी हूँ हज़ारों पर यानी एक अकेला इंसान अकेला ही रहता है वो कमज़ोर होता है जबकि अगर दो मिल जाएं तो दो फिर हज़ारों पर भारी हो जाते हैं यानी एक से दो जब हो जाते हैं इंसान यानी आपस में इतफाक़ कर लेते हैं तो वो हज़ारों पर भारी हो जाते हैं हज़ारों पर हावी हो जाते हैं हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि मिसल मशहूर है कि दो मिल के भारी हूँ हज़ारों पर जुजाल कमज़ोर बूंदें कैसे तूफान उठाती हैं जवाब कमज़ोर बूंदें जब आपस में मिल जाती हैं तो फिर तूफ़ान उठाती हैं है सवाल है बर्बादी बर्बादी सॉरी बर्बादी कहाँ होती है जजहे में सवाल है बर्बादी कहाँ होती है इसका जवाब है बर्बादी वहाँ होती है जहाँ ना इतफाकी होती है यानी जहाँ इतफाक़ नहीं होता लोग मिलजुल कर साथ नहीं रहते मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं देते दुख सुख में एक दूसरे का साथ नहीं देते आपस में इतफाक़ और एतहत से नहीं रहते तो वहाँ क्या होती है बर्बादी होती है यानी वो कैमे तबाह हो जाती हैं जो आपस में इतफाक और इतहाद से नहीं रहती इसलिए हम इसका मुख्तर से जवाब इस तरह से लिखेंगे कि बर्बादी वहां होती है जहां ना इंसाफ ना इतफाकी होती है यानी जिनमें आपस में इतफाक नहीं होता वहाँ बर्बादी होती है ये था हमारा सवाल नंबर एक उसमें कुछ सवाल थे जिसके हमने मुख्तर जवाब दिए मुख्तर जवाब पढ़े उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अब है सवाल नंबर दो सवाल नंबर दो है मुनासिब अल्फाज की मदद से ख़ाली मसरे मुकम्मल करें मुनासिब अल्फाज की मदद से ख़ाली मसरे मुकम्मल करें उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब खोल रखी होगी उर्दू की किताब का सफ़र नंबर एक सौ चार जिस पर सवाल नंबर दो है कि मुनासिब अल्फ़ाज़ की मदद से ख़ाली मिसरें मुकम्मल करें हमने नज़म इतफाक़ पढ़ी उस नजम को जहन में रखते हुए अब हम ये इनमें जो ख़ाली जगह दी गई हैं ख़ाली मतलब डैश दिए गए हैं इनको हम मुनासिब अल्फाज लगा कर करते हैं अब पहला है जुज अलिफ है जज़ अल्फ में है हमेशा मिल के रहने के नतीजे डैश होते हैं अब यहाँ डैश वाली जगह पे हम लफ्ज़ लिखेंगे नेक नेक यानी हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं यहाँ पर लफ्ज़ आएगा नेक जुजबे यही एक तो रास्ता डैश का दिखाता है डैश यहाँ खाली जगह पे हम लिखेंगे कि यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है यहाँ पर आप लिखें लफ्ज़ कामयाबी कामयाबी यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है जेम मिसल मशहूर है दो मिल के बारी हूँ डैश पर अब यहाँ डैश पर आएगा हजारों पर यहाँ पर आप लफ्ज हजारों यानी मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हूँ हजारों पर आगे है दाल जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर डैश उठाती हैं जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर डैश उठाती हैं यहाँ डैश यानि खाली जगह पर हम लिखेंगे लफ्ज तूफान तूफान इस तरह से मुकम्मल होगा ये फिक्र जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं जुजहे वही होती है बर्बादी जहाँ डैश है वही होती है बर्बादी जहाँ डैश है अब यहाँ डैश यानी खाली जगह पे हम लफ्ज लिखेंगे ना इतफाकी ना इतफाकी होती है बर्बादी जहाँ ना इतफाकी है अभी मैं एक दफा फिर आपके सामने दोहराती हूँ जो जलिफ में हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं यही तो आत कामयाबी का दिखाता है मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हूँ हज़ारों पर जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं वहीं होती है बर्बादी जहाँ ना इतफाक़ी है तो ये था हमारा सवाल नंबर दो अभी हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर तीन दर्ज अल्फा के मुतरद लिखें सवाल नंबर तीन है दर्ज अलफा के मुतरदफ लिखें मुतरदफ वो अलफ जिनके के मैनी मतलब एक हूँ यानी ऐसे अलफ़ जिनका मतलब एक हो एक जैसा हो मुतरदफ अलफाज कहलाते हैं अभी हमारे पास अलफ है कामयाबी 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 का मुतरदफ़ है फता फिर है बूंद बूंद का मुतरदफ़ है कतरा कुवत कुवत का मुतरिफ़ है ताकत फिर है लुत्फ लुत्फ का मुतरदफ़ है मज़ा मज़ा आगे है लफ्ज झगड़ा झगड़ा का मुतरदिफ है लड़ाई अगला अल्फाज है एका एका इसका मुतरदिफ है इतफाक जिंदगी अल्फाज है जिंदगी जिंदगी का मुतरद है जीत कामयाबी फ़ता बूंद, कतरा कुवत, ताकत लुत्फ मज़ा फिर है झगड़ा लड़ाई एका, का इतफाक जिंदगी जीस्त तो ये थे अल्फाज और उनके मुतरादिफ अभी आगे है सवाल नंबर चार सफा नंबर एक सौ पाँच पर आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर एक सौ पाँच पर ये जो हम मश्की सवाल कर रहे हैं हमारे नज़म इतफा की मश्क आपकी किताब के सफ़ा नंबर एक सौ चार पर है जो कि उम्मीद है आपने खोल रखा होगा और साथ साथ ये मश्क हाल कर रहे होंगे अभी आगे सफ़ा नंबर पाँच पे देखें सवाल नंबर चार सवाल नंबर चार है नज़म इतफ़ाक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही ठीक से करें यानी इतफाक नज़म जो हमने पढ़ी है उसको जहन में रखते हुए यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं तो उस नज़म के मुताबिक हमने उसमें जो चार ऑप्शन हैं जो सही ऑप्शन है उस पर हमने टिक का निशान लगाना है सबसे पहले जुज अल्फ़ में है मिलजुल कर रहने के क्या नतज होते हैं मिलजुल कर रहने के क्या नतज होते हैं अब ऑप्शन है नंबर एक अच्छे नंबर दो बुरे नंबर तीन नेक नंबर चार मुफीद अब इसमें जो सही ऑप्शन है जो सही जवाब है वो है नेक यहाँ पे टिक लगाएं ऑप्शन नंबर तीन पर नेक यानी मिलजुल जुल कर रहने के नतज नेक होते हैं जुजबे जहाँ दिल एक हूं वहां क्या होता है मज़ा एका का इतिहाद हौसला यानी जहां दिल एक हूं वहां क्या होता है नंबर एक पर है मजा नंबर दो एका, एक नंबर तीन इतिहाद और नंबर चार हौसला अब इसमें जो सही ऑप्शन है हम उस पर टिक लगाएंगे मज़ा जो नंबर एक यहाँ पे टिक लगाएं जहाँ दिल एक हूँ वहाँ मज़ा होता है है? यहां ठीक है यहाँ पे टिक लगाए आगे है जस जीम जस जीम में है मुश्किल वक्त में क्या काम आता है मुश्किल वक्त में क्या काम आता है नंबर एक खुदा नंबर दो रुपया नंबर तीन दोस्त और नंबर चार एका मुश्किल वक्त में क्या काम आता है तो इसका सही जवाब है जूज नंबर चार एका यानी मुश्किल वक्त में एका काम आता है आगे है जूस दाल कितने मिलकर हजारों पर भारी होते हैं दो तीन ग्यारह दस इसका सही जवाब है नंबर एक दो यानी दो मिलकर हजारों पर भारी होते हैं यहाँ पर लगाएं, जो एक पर दो पर आगे एक का हमें कौन सा रास्ता दिखाता है एक का हमें कौन सा रास्ता दिखाता है नंबर एक निजात का नंबर दो खुशी का नंबर तीन आखरत का नंबर चार कामयाबी का जो नंबर चार सही ऑप्शन है कामयाबी का यानी एक का हमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है यहाँ पर नंबर चार पर टिक लगाएं जुज़वाओ आपस में मिलकर तूफान तो उठाती हैं आपस में मिलकर तूफ़ान उठाती हैं नंबर एक नहरें नंबर दो बूंदें नंबर तीन लहरें नंबर चार मौजें इसका सही जवाब है नंबर दो बूंदें नंबर दो यहाँ पे टिक लगाएं बूंदें ये था हमारा सवाल नंबर चार हमारा अगला सवाल नंबर पाँच है दर्ज अल्फ़ाज़ को जुमों में इस्तेमाल करें में नीचे कुछ अल्फ़ाज़ दिए गए हैं सवाल नंबर पाँच पर हमने उनके जुमले बनाने हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है अल्फाज हैं मिलाप लुत्फ, निशान किस्मत ना अब हम इनके जुमले बनाते हैं हमारे पास अलफा है मिलाप मिलाप का जुमला है आपस का मिलाप जमाने में सबसे बड़ी ताकत है आपस का मिलाप जमाने में सबसे बड़ी ताकत है फिर है लुत्फ लुत्फ का जुमला है नजम पढ़कर बहुत लुत्फ आया फिर है निशान 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 का जुमला है बहम इतफाक कामयाबी का निशान है यानी बहमी आपस के इतफाक में कामयाबी होती है ये कामयाबी की अलामत है कामयाबी का निशान है तो निशान का जुमला आएगा बहमी इतफाक़ कामयाबी का निशान है फिर अल्फाज़ आए किस्मत 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 का जुमला है जो लोग आपस में दुश्मन हों, वो किस्मत के मारे होते हैं फिर है ना इतफाकी अल्फाज है ना इतफाकी ना इतफाकी जुमला ना इतफा बर्बादी का बायस है यानी अगर इतफाक ना हो तो बर्बादी का सबब बनती है ना इतफा बर्बादी का बायस है तो ये थे हमारे अल्फाज़ जिनके हमने जुमले बनाए अभी आप अपनी उर्दू का उर्दू की किताब का सफा नंबर एक सौ सफा नंबर एक सौ हमारा छठा सवाल है कि इस नजम में किन लोगों को किस्मत के बारे कहा गया है हमने नजम इतफाक पढ़ी तो उसके मुताबिक यानी नजम में किन लोगों को किस्मत के बारे में कहा गया है तो इसका जवाब है कि इस नजम में उन लोगों को किस्मत के मारे कहा गया है जो आपस में दुश्मन हैं जिनका आपस में इतफाक़ इतहाद नहीं है जो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं तो उन लोगों को में किस्मत के मारे कहा गया है कि उन लोगों पर तरस आता है वो लोग किस्मत के मारे हैं जो इतफाक़ से नहीं रहते तो मख्तसर तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि इस नजम में उन लोगों को किस्मत के मारे कहा गया है जो आपस में दुश्मन हैं आपस में इतफाक़ और इतहाज़ से नहीं रहते आगे फिर हमारा सवाल नंबर सात है इतफाक में बरकत के मौजू पर कोई कहानी तहरीर करें डेयर स्टूडेंट्स आपने नज़म इतफाक़ पढ़ी तो उसको जहन में रखते हुए आप एक अच्छी सी कहानी इतफाक़ में बरकत है कि टॉपिक पर परवान पर लिख सकते हैं आपने एक किसान और उसके बेटे उनकी कहानी पढ़ी आपने दो बैलों वाली कहानी भी पढ़ी है पिछली क्लासों में तो उनमें से कोई भी कहानी आप इतफाक में बरकत है के तौर पर लिख सकते हैं ठीक है और अपनी कापियों पर लिखें होमवर्क के तौर पर फिर है सवाल नंबर आठ नजम इतफाक का ख़ुलासा तहरीर करें खुलासा जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो नज़म में पढ़ते हैं उसको आ, अशार की सूरत में वो नजम लिखी जाती है लेकिन हम उसको पैराग्राफ की शक्ल में मुख्तर करके शुरू से जैसे नजम शुरू होती है जिन अलफा से कि उस नजम में जो कुछ बयान किया जाता है उसको मुख्तर तौर पर पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है तो वो नजम का खुलासा कहलाती है आगे हमारा सवाल नंबर अलफाज से मिलाएं। यहाँ पर दो कालम दिए गए हैं काला मलिफ और कालम बे। काला मलिफ में लाफ नाकामी बद बूंदे बर्बादी कारखाने और कलम्बे में है तबाही फैक्ट्रिया नेक कामयाबी कतरे हमने कलम अल्फ के अल्फाजों को कॉलम्बे के मुतलका अल्फाजों से मिलाना है अब सबसे पहले है हमारे पास नाकामी नाकामी को हमको मिलाएंगे लफ्ज़ कामयाबी से कलम अलिफ में लफ्ज है नाकामी हम इसको कालम बे के लफ्ज़ कामयाबी से मिलाएंगे, नाकामी को कामयाबी से मिलाएं, फिर है कलम मल्फ में बद इसको हम मिलाएंगे नेक से नेक यानी बद को मिलाएं नेक से फिर कलम मल्फ में है लफ्ज़ बूंदें बूंदों को कालाम बे के लफ्ज़ कतरे से मिलाएं, फिर है कलम मल्फ में बर्बादी बर्बादी को मिलाएंगे कालम कॉलम बे के अल्फाज तबाही से बर्बादी को मिलाएं तबाही से फिर है कारखाने काला मल्फ में है लफ्ज़ कारखाने इसको कालम बे के लफ्ज़ फैक्ट्रियाँ इससे मिलाएं एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देती हूँ नाकामी कामयाबी बद बद को नेक से मिलाएं बूंदें बूंदों को कतरे से मिलाएं, बर्बादी इसको तबाही से और कारखाने कारखाने को फैक्ट्रियाँ इस लफ्ज़ से मिलाएं ये हो गया हमारा कालम अलिफ और कालम बे आगे फिर ग्रामर का सवाल है हरूफ ताकीद यानी ताकीद करना इसरार करना किसी काम को का लाजमी करार देना हरूफ ताकीद यानी हरूस हरूफ ताकीद ऐसे हरूफ जो जुमले के बयान के इस तरह तइद व तोसीक करें कि शक व शुबा बाकी ना रहे हरूफ ताकीद कहलाते हैं आसान अल्फाज में इसकी तारीफ इस तरह से होगी कि वो जुमला जिसमें कोई शक व शुबा ना रहे बल्कि वो आ, मुकम्मल जुमला हो यानी उसमें उस, उस फिक्र में या उस काम के करने में या उस काम के ना होने में आ, कोई शक शुबे की गुंजाइश ना हो बल्कि पक्का इरादा हो आ, मजबूत इरादा हो तो उसको क्या बोलेंगे ताकीद हरूफ ताक़ीद हरूफ ताकीद क्या हुआ यानी वो जिमला जिसमें किसी शक को जो शुभों की गुंजाइश ना हो कोई शक व ना पाया जाए तो ऐसा ग्रामर में उसे हरूफे ताक़ीद कहते हैं अब नीचे कुछ जुमले हैं जैसे हामिद नहीं जाएगा अब हामिद नहीं जाएगा मतलब ऐसे कह दिया गया है कि इसमें कोई ताकीद नहीं है ठीक है वही जुमला फिर जुज्बे में है हामिद हरगिज़ नहीं जाएगा अब ये जो हरगेज़ लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये हरफ ताक़ीद है ठीक है यानी ला ये अब जो जुमला है कन्फर्म हो गया है यानी इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है यानी हामिद हरगिज नहीं जाएगा तो ये जुमला हरफ ताक़ीद है और जबकि ये जो है हामिद नहीं जाएगा इसमें शक व शुबे की गुंजाइश पाई जाती है और हरूफ ताकीद वो होते हैं जिसमें कोई शक व शुबा बाकी ना रहे इसी तरह अभी आप अपनी उर्दू की किताब का अगला सफ़ा यानी सफा नंबर एक सौ सात खोलें वहाँ पर कुछ जुमले हैं हरूफ ताक़ीद के आपने जैसे यहाँ है आपने वहाँ आप तो वहाँ थे ही कई और भी वहाँ देखे यानी कई इसमें भी शक शुबा पाया गया है कि आप तो वहाँ थे ही कई लोग और भी थे यानी उन कई का हमें इल्म नहीं है ठीक है अगर यहाँ पर कुछ लोगों के नाम होते यानी मुस्द का बात होती मुस्त का तस्दीक की गई कि वो 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 वहाँ आप भी थे और फला फला भी वहां था तो वो हो जाता हरूफ ताक़द में जुमला तो ये इसमें शक व पाया गया है इसलिए ये हरूफ ताकीद में नहीं आता मैं हर गिज झूठ नहीं बोलूंगा अगर होता ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो इसमें भी शक शुबा है झूठ बोला भी जा सकता है लेकिन हर गिज हरूफ है यानी मुसद का बात होगी है कि झूठ नहीं बोला जाएगा मैं हार झूठ नहीं बोलूँगा इसी तरह ये जुमले हैं वो ज़रूर हमारे घर आएगा यहाँ पर जरूर हरूफ ताक़ीद है मैं यकीन तुम्हें वहाँ मिलूँगा यहाँ पर यकीन हरूफ ताक़ीद है तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हरूफ ताक़ीद क्या है वो जुमले जिनमें कोई शक शुबह की शक व शुबा की, की गुंजाइश ना हो मुस्त का बात हो तो वो जो मुस्त का लफ्ज़ लिखा जाता है उसमें हरगिज ज़रूर यकीन हरूफ तकीद है मैं ही मतलब मैं तो वहाँ था मतलब मेरा वहाँ होना हरूफ तक़ीद है यानी मुस्त का है कि मैं वहाँ था लेकिन कई और लोग भी वहाँ थे तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अभी आज का आपका घर का काम है सवाल नंबर या अक्सरसाइज में सफ़ा नंबर एक सौ छः पर हमने जो सवाल नंबर सात पढ़ा है सवाल नंबर सात है इतफाक में बरक़त के मौजू पर कोई कहानी तहरीर करें एक सवाल नंबर सात हो गया और आ गया है सवाल नंबर आठ नज़म इतफाक़ का खुलासा लिखें यानी अपने अल्फ़ाज़ में आप नज़म इतफाक़ में जो आपने पढ़ा है वो मुख्तर पैराग्राफ की शक्ल में लिखे मेरे पास ये आपका होमवर्क है उम्र करके भेजें यानी दो सवाल एक आपने इतफाक में बरक़त है कि कहानी लिखनी है और नजम एतफाक़ का मुख्तर खुलासा लिखना है पैराग्राफ में यह आपका आज का होमवर्क है उम्मीद आपको ये नजम इतफाक़ की मशकी सवालात जो हमने किए अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे खुश रहें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़